मुंबई हमले 26/11 में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित फिल्म मेजर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। देश के रियल हीरो पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर ही 26/11 की भयावह तस्वीर को दिखाने के लिए काफी है। ट्रेलर में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन से लेकर उनके मेजर बनने और मुंबई आतंकवादी हमले में आतंकियों का सामना करने तक की झलक दिखाई गई है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अभिनेता अदिवी शेष ने निभाई है, जिनके जरिए मेजर संदीप की वीरता कहानी को दर्शाया गया है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कैसे मेजर संदीप के मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और वो हमेशा से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। मेजर की कहानी उनके देश के प्रति जज्बे को दिखाती है, साथ ही एक सोल्जर के निजी जीवन को भी दर्शाती है कि कैसे सैनिक भी एक बेटा पति होने के बावजूद अपने देश को ऊपर रखता है, ये पता होते हुए भी कि उसकी जान चली जाएगी, वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। उस समय में भी हमारे देश के जांबाज संदीप मेजर उन्नीकृष्णन को सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान की परवाह थी। ट्रेलर में अदिवी शेष भी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते नजर आए हैं। ट्रेलर को YouTube चैनल सोनी पिक्चर फिल्म इंडिया पर रिलीज करने के साथ ही सलमान खान और महेश बाबू ने भी अपने Instagram से शेयर किया है। ट्रेलर को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया है। पहले मेजर का ट्रेलर 26 मार्च को रिलीज होने वाला था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। फिल्म मेजर को शशि किरण टिक्का ने डायरेक्ट किया है और अदिवी शेष के अलावा अभिनेत्री शोभिता धुलीपाला अहम भूमिका में है। वो एक प्रवासी भारतीय महिला के किरदार में है जो उस रात को हुए भयावह हमले में होटल के अंदर आतंकवादियों की गिरफ्त के शिकार हो जाती हैं। फिल्म में दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज मेजर संदीप के पिता के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। मेजर फिल्म को 3 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा।